समाप्त الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والسلام والسلام على النبي المؤمن الخاتم لما صدق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالعبد القادر لأهل البيت الذين أبعد الله عنهم الغلة واستحقرهم تطهيرا ये मजलिस नई है और कभी मैंने इस तारीख अगर पार्क में तकरीर नहीं की है। मरहूम सरकार इस मस्जिद का खिताब फरमाया करते थे और मुझे ये पहला मौका मिला है कि मैंने 28वीं रात की इस मस्जिद को मैंने पाक मुहर्रम एसोसिएशन के अरकान से खुसूसन मुनव्वर बादशाह से यह दरख्वास्त की थी कि अगर किसी और मुकर्रर का इंतखाब हो तो अच्छा है, इसलिए के मुसलसल तकरीरों के दौरान एक बड़ी जिम्मेदार तकरीर से ओहदा बरा होना मेरे लिए आसान नहीं है। मैं इस तारीख की अहमियत को जानता हूं और मुझे यह भी मालूम है कि किन किन तरीकों से बहुत से दिमागों को मशगूल किया जा चुका है और उन तमाम शुबहात को दूर करने के लिए एक घंटे की तकरीर यकीन नहीं काफी, लेकिन मैं मजबूर हूं, मैं सिर्फ अपनी कल की मसूफियतों को याद करता हूं, इसलिए इस वक्त जो तरीके गुफ्तगु में अख्तियार कर रहा हूं अगर वही पेश नजर रह जाए तो मेरा ख्याल है कि मुमकिन है खुद आपका जवाब कोई राह पैदा करे और एक
ऐसी फिक्र की तकलीफ करे कि जहां आप अपने हर शुभ पर गालिब हो जाए। मैं फिर इस अमर की वजाहत कर दूं कि ये मजमा जो हजरत सिद्ध अकबर के हालात जिंदगी को सुनने के लिए यहां जमा हुआ है, जाहिर है ये मजमा मेरे लिए अजनबी नहीं है और न समझने के लिए मैं अजनबी। ये कोई और ही बात है कि जो इसको जेर फिक्र है वो ये कि जब आपके और मेरे दरमियान अजनबीयत नहीं है तो ऐसे मौके पर मेरे मुखातब रात फकत आप है, इसको आपके सिवा कोई और नहीं और आपका गैर नहीं। इसलिए कि जिन बुनियादों से हम गुफ्तगू करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि गुफ्तगू निहायत मुजमल और मुख्तसर होगी और मुसलसल बच्चे सुनते सुनते आप उन बुनियादों को अच्छी तरह से समझने के आदि हैं। इसलिए इन इशारात को आप आसानी से समझ जाएंगे बजाय उस अजनबी के जो पहली मरतबा इस मस्जिद में शरीक हो रहा था। इसलिए हम इस मुख्तसर तहजीब के बाद तकरीर को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके दिल दिमाग में ये अमर रहे कि बहैसियत दीन दियानत के हामिल के, बहैसियत एक मजहबी इंसान के, बहैसियत एक मुस्लिम के, हम एक खालिक कुल की ذات اقتا میں عقیدہ رکھتے ہیں، ہم ایک خالق کل کی ذات اقتا و واحد و جگانا میں عقیدہ رکھتے ہیں اور وہ وہی ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله هو جو قابل پرستش ہے اور اس کا غیر قابل پرستش ہے، غیب و شہود کا عالم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور پھر ملک قدوس سلام مومن مہیمن عزیز جبار متکبر منزہ ہے اس امر سے کہ اس سے شرک کیا جائے، اور پھر هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى، وہی خالق وہی باری وہی مصور اسی کے لیے اسماء الحسنى۔ تو جب ہم ان محکمات کو دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قل هو اللہ احد جو ایک ہے اور کس طرح سے ایک ہے کہ اللہ الصمد صمد ہی صمد ہے، احتیاج نہیں ہے، کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے، اور پھر یہ کہ حکیم ہے، اور پھر یہ کہ یفعل ما یشاء جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور پھر یہ بھی کہ اس کا کوئی فعل عبث نہیں، اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں، ساری کائنات کو اس نے بنایا اور اس طرح کہ عقل کی دنیا نے اس کی کائنات پر اعتراض نہیں کیا، عقل کی دنیا نے
उसकी बनाई हुई कायनात में इतराज नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सि वदुहाहा वल्कमरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग्शाहा वस्समाई वमा बनाहा वल्अर्ज़ि वमा तहाहा, यहाँ तक इतराज नहीं है। आफ्ताब को रोशन किया, चांद को तला लौ दिया, रात को सुकून अता किया, आसमानों को फैलाया, जमीनों को वसत दे दी, तरकेजी अता की और फिर इंसान को पैदा किया। नफ्सिन वमा सब्बा, तो न किल्कत आसमान पर इतराज है, न किल्कत जमीन पर इतराज है, न हवाओं के चलने पर इतराज है, न चांद के तरफा होने पर इतराज है, न सूरज के चमकने पर इतराज है, किसी चीज पर इतराज है। मगर जहां से शुभा इंसान को हुआ वो वही था कि नफ्स का तस्किया हुआ, वो नफ्सुन वमा सब्बाहा वअल्हमहा फुजूरहा वतक्वाहा, उसको उसके फुजूर और उसके तक्वा का इल्हाम किया गया। कद अल्लाह मन ज़क्काहा वकद खाबा मन दस्साहा, जो तस्किया कर गया वो पाक हुआ, रुतबेदार हो गया, जिसने इनकार किया वो तबाही में मुब्तला हो गया, उसके लिए तबाही ही थी। तो जहां एतराज किया इंसान ने, वो कायनात की तकवीन पर एतराज नहीं किया, बल्कि इंसान को जब शुभा हुआ तो अपने दीन जैसे एक इंसान पर हुआ कि उसको हम पर बुजुर्गी क्यों दी। कोई कह सकता है किसी पर एतराज? بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون للنبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون یہ نبأ عظیم ہے جس میں اختلاف کر رہے ہیں یہ نبأ عظیم ہے جس میں اختلاف کر رہے اور نبأ عظیم آسمانوں کی خلقت ہے زمین کی خلقت ہے جانداروں کی خلقت ہے इनको तलालों का अदा किया जाना है या किताबों को परेशानी का मिलना है नहीं। नबे अजीम वही कौन हुआ नबे उल अजीम मा कान ली मिन जिल्ल बिल मलअ अला यस्तफिरून, मैं तो उस वक्त मौजूद था, मैं तो सिर्फ वही रब्बानी से बातें कर रहा हूँ कि वो तो झगड़ा उस वक्त हुआ मलअ अला पर नबे अजीम के सिलसिले में, मुझे वही से मालूम हुआ, मैं मौजूद नहीं था। उस पर वही हुई कि झगड़ा क्या था, और झगड़ा यही था कि قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا صببته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين। मैंने जब अल्लाह ने यह कहा कि मैं बंदर को जमीन से बना रहा हूँ, आए मलाइका सजदा कर देना, सबों ने सजदा किया, शैतान ने सजदा नहीं किया और एतराज किया। एतराज वो एतराज नस्लन ज्यादा नस्लन शराफत इंसान के साथ वाबस्ता रहा कि इसको बुजुर्गी क्यों मिली, इसको बुजुर्गी क्यों मिली, इसको शरफ क्यों मिला, इसको अजमत क्यों मिली। और वो नबाए अजीम था, वो नबाए अजीम था जो राजे यही हुआ उसी सूरे में अम्मा या पापा सोच के पूछा गया, क्या हमने जमीन को तुम्हारे लिए नहीं बिछाया, क्या हमने तुम्हारे लिए रात को पुरसकून नहीं बनाया, तुम्हारी नींद को तुम्हारे लिए राहत नहीं करार दिया, क्या हमने आसमान नहीं बनाए, क्या हमने बारिश को नाजिल नहीं किया, सब कुछ हमने किया मगर तुमने हमारे फेर पर एतराज नहीं किया। बजिस खत इंसान के मौके तुमने एतराज नहीं किया, तुम्हारा एतराज का हदफ तुम जैसा ही एक इंसान था जिसके मुताल्लिक तुम ये कह रहे हैं कि इसको शरफ क्यों मिला। यहां पर जब हमारा सिलसिला तकवीन जारी हुआ
और हम खाइब करने लगे और आवाज दी इन शय इल्ला इन्ना खजाउनहु वहा नुरसिलहु इल्ला बिकदर मालूम। कोई शय ऐसी नहीं है जिसका खजाना हमारे पास न हो। हम हर शय को अता करते जाते हैं अपनी बारगाह से अपने खजाने से ताकि वो शय तरक्की करती जाए। कायनात में मुसलसल तरक्की मुसलसल तरक्की और उसके बाद अल्लाह से तुम अल्लमा खलकनाकुम अबसा وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ। क्या तुम ये समझते हो कि तुमको बेकार बनाया? क्या तुम्हारी रजत हमारी तरफ नहीं है? खिलकत से लेकर रजत तक, इब्तिदा से लेकर इंतहा तक, आगाज से लेकर अंजाम तक, तुम्हारी विलादत से लेकर तुम्हारी बागश तक, ये सब हमारे कब्जे और इख्तदार में, यानी एक कानून के ताबे है। हमारी हिकमत मुतलका ने कारखाने हयात को बेकार नहीं बनाया, और जब बेकार नहीं बनाया और ये पूरी कायनात बन गई और इस कायनात के मरकज में इंसान आया और इस इंसान की बुजुर्गी पर दूसरे इंसानों ने शैतान की तकलीद में एतराज किया, तो उस वक्त तुमने हमारी हिकमत कामिला को नजरअंदाज कर दिया। तुम यही समझते रहे कि ये हमारा जबर है, ये हमारी खुशी है, ये हमारी मसलहत है, हम जो चाहे करें। तुमने ये ख्याल नहीं किया कि उसकी इस्तेदाद, उसकी लिसान इस्तेदाद पुकार रही थी कि उसको शरफ दिया जाए। तुम ये नहीं समझ रहे थे कि उसकी ज़रफ़ियत और काबिलियत और सलाहियत हमसे इस्तदआ कर रही थी कि उसको इस्तेमाल में पहुंचाया जाए। तुम नहीं जान रहे थे कि उस इंसान के लिए नस्लन बाद नस्लन जिस तरबियत का हमने इंतजाम किया था, उस तरबियत का तकाज़ा ये था कि उसी घराने में हाजी पैदा किए जाए। बहुत बहुत तो अब हम किस नतीजे पर पहुंचे? सबसे पहले ये कि हमारा एक खालिक है कुल है, दूसरे ये कि वो हकीम है, तीसरे ये कि उसका फेल अवश नहीं है, उसका फेल अवश नहीं है। जब उसका फेल अवश नहीं है तो उसने अपनी मखलूक को गुमराह नहीं रखा, बल्कि मखलूक की हिदायत के लिए लकद अरसलना रुसुलना तबरात, हमने लगातार रसूल भेजे। जाहिर है किसी को यह पूछने का हक नहीं था कि इसको रसूल क्यों बनाया, उसको क्यों नहीं बनाया। किसी को यह पूछने का हक नहीं था कि इब्राहिम को क्यों पसंद किया, किसी और को खुल्लत के लिए क्यों पसंद नहीं किया। किसी को यह पूछने का हक नहीं था कि मकाम तूर पर जो सरबुलंदी मूसा को अता हुई, किसी और को अता क्यों नहीं हुई। महाराज, हम चाहते थे कि मखलूक की हिदायत हो और हमने उस सिलसिले को आगे बढ़ाया, मगर कदम कदम पर इंसान अपने इस शुभ को बराबर पेश करता रहा कि ये क्यों और वो क्यों नहीं। मैं कोई तवज्जो चाहता हूं इस तमहीद के लिए, यहां तक कि खातम आए जैसे लिया اعتراض آیا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کسی دولت مند کا قرآن کیوں نہیں آیا، کسی دولت مند کا قرآن کیوں نہیں آیا۔ یہ دو شہر تھے یمامہ اور مکہ جس میں بڑے بڑے دولت مند تھے، قربتن میں مسعود ثقفی جیسا دولت مند موجود تھا، ولید ابن مغیرہ جیسا دولت مند موجود تھا، ان دونوں کا قرآن آتا کہتے سب کو چن لیا، جہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے، نہ فقر و فاقہ ہے، تو فوراً ارشاد ہوا اہم یقسمون رحمت ربک۔ کیا اب یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے رب کی رحمت کو تقسیم کریں گے؟ کہ یہ اپنے رب کی رحمت کو تقسیم کریں گے یا ہم ہیں اس رحمت کی عطا کرنے والے؟
حکمت سے کوئی فعل خالی نہیں ہے. کسی کو نبی بنا کہ علم کے ساتھ کہ اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ ہمارے ارشادات کی تکمیل کرے, ہمارے عوامل اور نواحی کو قوم تک پہنچا دے, ہماری مرضی کا نمائندہ بن جائے. چنانچہ جس کو بنایا سمجھ کر حکمت کے ساتھ عدل کے ساتھ وہ مقام اس کو عطا کیا. مگر اعتراض ہمیشہ یہی ہوتا رہا کہ یہ کیوں اور یہ کیوں نہیں. یہ اعتراض کب ہوا؟ یہ اس وقت ہوا جبکہ فقر و فاقے کے مقابل میں دولت آئی, جب دولت مند پر نظر پڑی تو کہا اس کو کیوں نہیں دیا, اس فقیر کو کیوں یہ ممتاز مقام عطا ہوا. تو جب کبھی کوئی دولت وقت کا نمائندہ سامنے آیا تو دنیا اسی کی طرفدار بن گئی اور اس نے ابداً فطرتاً یا حسد کرتے ہوئے یا پھر یہ کہ اپنے آبائے اولین کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے یہی طے کیا کہ اعتراض کیا جائے کہ یہ عہدہ اس کو ملتا تو بدر گئے عدم یہ کام پورا ہوتا. اور اگر اس کو بھیج رہا تھا اس کے ساتھ زمین کے معادن بنتے اور وہ خزانے تقسیم کرتا ہوا جاتا, تو اس کے معنی یہ کہ یہ تبلیغ جو ہو رہی ہے امر و نہی الہی کی, اس کے ساتھ بھی اگر دولت دنیا ہوتی تو ہم جلدی ایمان لاتے. فقر و فاقے کے عالم میں تو ایمان لایا نہیں جاتا. یہ کس کی گفتگو ہے؟ ابراہیم کی نہیں, یہ ختم مرتبت کے متعلق ہوئے یہ اعتراضات. سورہ فرقان بھرا پڑا ہے انہیں اعتراضات سے. کنزم اور تقوی لہو جنت, اس کا کوئی خزانہ بھی نازل ہوتا جب قرآن نازل ہوا ہے, کوئی باغ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا تاکہ بھوکوں کو کھلاتا جاتا چلتا, سیراب کرتا چلتا, کوئی پانی کے چشمے ابلتے, مگر کچھ نہیں کچھ نہیں. اور دولت مقابل پر اس دولت کو دیکھ کر دنیا نے یہ دیکھا کہ یہاں فقر ہے, فاقہ ہے, پھٹے کپڑے ہیں, زندگی صعب ہے, دشوار راہے ہیں, ان سب کو طے کرنا ہے. اب کون آئے گا اس کی طرف؟ اب آئے گا کون اس کی طرف؟ اس لیے کہ وہاں حق کا, مذہب کا, دین کا, دیانت کا تصور ہی اسی بنیاد پہ جا رہا تھا کہ مذہب وہی جو دنیوی اعتبار سے سکون دے دے, جو مادی اعتبار سے سروت دے دے, مذہب وہی جو ہم کو بھوکا نہ رکھے, مذہب وہی جو دوسروں میں ہم کو سربلند رکھے. ان تفکرات کے ساتھ زمانہ آگے بڑھ رہا تھا. ایسے میں توراتوں دوروں انجیل کے بعد, ایسے میں نوح ہو, ابراہیم ہو, موسیٰ ہو, عیسیٰ کے بعد قرآن کو لے کر احمد مصطفیٰ ہو, محمد مصطفیٰ ہو. آئے اور اس حکیم عالم کی لاکھ میں سورہ جن کے آخر میں یہ آواز دی کہ عالم الغیب
لا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. غیب کا عالم اپنے علم کو کسی کے حوالے نہیں کرتا جب تک کہ کسی کو رسولوں میں مرتضا نہ کر لے. فقط یہی نہیں بلکہ وہ ایک رسد معین کرتا ہے اس کے سامنے اور اس کے ارد گرد اور اس کی نگرانی کرتا ہے اپنے حبیب کی. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم. یہ اس لیے کہ خدا معلوم کروا دے دنیا کو کہ اس طرح رسالتوں کی تبلیغ ہوئی ہے ہماری نگرانی میں. وَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا. رصد لگا دی جاتی ہے. نگرانی ایسی ہوتی ہے اپنے نبی کہ کوئی بات اپنی طرف سے نہ ہو, ہماری مرضی کی مطابقت ہر آن ہو, ہماری مرضی کا نمائندہ بن کر جیے اور ہماری مرضی پر چلے. چنانچہ ہم نے دیکھا کہ ایک فارمولے کے ساتھ, ایک قانون کے تحت, ایک نظام کے ساتھ یہ کائنات آگے بڑھ. ہر جگہ ایک فارمولا تھا, ایک قانون کل تھا, ایک حکمت تھی کہ محیط اور اسی میں کائنات پیدا ہوئی, انسان آیا, خلقت آگے بڑھی, خدا آئے یعنی ہادی آئے, انبیاء آئے, رسول آئے, اور جب یہ سب کا سلسلہ خاتمے پر پہنچا تو اس کو بھیجا کہ جس کے ذریعے سے دین کو کامل و اکمل بنانا مقصود تھا اور جہاں پہنچ کر حجتیں ختم نہیں ہو سکتی تھی, نبوت ختم ہو رہی تھی, نبوت ختم ہو رہی تھی, ہدایتیں ختم نہیں ہو رہی تھی. اور چنانچہ اس منزل پر پہنچ کر پھر سنت الہی نے اعلان کیا اور کوئی نہ اعلان تھا, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا. اللہ نے تم میں سے جو صاحبان ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں ان سے وعدہ کر لیا کہ جیسے ہم نے ماضی میں خلافتوں کے سلسلے کو جاری کیا تھا وہی سلسلہ ہمارا پھر جاری رہے گا. الذین من قبلہم, جس طرح سے ان سے پہلے خلافتیں آ چکی تھیں اسی طرح سے یہ سلسلہ جائے گا. اگر شاہی کے ساتھ آئی ہے تو شاہی کے ساتھ جائے, اور اگر فقر و فاقے کے ساتھ آئی ہے تو فقر و فاقے کے ساتھ جائے, اگر ملوکیت کے ساتھ رہی ہے تو ملوکیت کے ساتھ رہے گی. ماضی میں جس کا سلسلہ رہا ہے مستقبل میں بھی رہے گا. فقط یہ ایک اعلان نہیں تھا, دوسرا اعلان تھا, اور دوسرا اعلان یہ تھا وہ نورید. یہ پہلا اعلان سورہ نور میں اور یہ دوسرا اعلان سورہ قصص میں 28 سورہ. وہ نورید انہن علی الذین استضعفوا فی الارض وندعلہم ائمتا وندعلہم الوارثین. ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ جن کو زمین میں دنیا کمزور بنا دے ان پر ہم احسان کریں. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض وندعلہم ائمتا, اور ان کو امام قرار دیں. وندعلہم الوارثین, اور ان کو وارث بنا دیں. اب ان کو وارث بنا دیں. وہ لگ الحم آئین متن, ہم ان کو امام بنائے, ہم بنائے امام. وہ نوری تو ہم نے ارادہ کیا ہے سورہ قصص قرآن حبیب, ہم نے اس سے پہلے بھی امام بنائے ہیں. انی جاہل کا جنا سے امام, ابراہیم کو ہم نے امام بنایا ہے.
اولاد يعقوب نے سلسلہ امامت کا ہم نے اعلان کیا ہے وہ جعل اللہم ائمتا یہدون بامرنا ہم نے ان کو امام بنایا تاکہ ہمارے امر سے ہدایت کریں انبیاء کو ہم نے پیش نوازی نہیں دی کہ امام کے یہ معنی کیے جائیں بلکہ جن کو امام بنایا للہ کا امام للصلاح نہیں ہے صرف نماز کے لیے نہیں بنایا انسانیت کے لیے بنایا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين اس کا انگریزی کا سانس لے کر حضرت ستم غریزی سے کام لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم ان کو رولرس بنا رہے ہیں احمدی کمنٹیٹر نے یہ لفظ استعمال کیا لَيَسْتَقْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ نے کہا رولرس بنائے تو بہرحال یہ دو اعلان وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ویستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم دوسرا اعلان یہ ہوا نريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمة ونجعلہم الوارثین ہم نے یہ ادا کیا ہے کہ جن کو زمین میں کمزور کر دیا جائے ان کو ہم امام بنائے اور وارث بنائے وہ نور فرعون و حامان و جنود ہوا اور فرعون کو اور حامان کو ان کے لشکروں کو دکھلا دے مما کانو یہ ضرور جس سے وہ ڈر رہے تھے جس سے وہ ڈر رہے تھے جس دن سے وہ ڈر رہے تھے وہی دن آ گیا تو یہ ادھر ارشاد اور ادھر ختم المرسلین کی زندگی چارہ ہجری کو ختم ہوئی میں آپ سے اب توجہ کا طالب ہوں یہاں میری تقریر کا پہلا حصہ ختم ہو گیا چارہ ہجری میں بظاہر زندگی ختم ہو گئی وہ حکمت الہی جو آدم سے لے کے خاتم تک کار فرما تھی کہ وہ بھی اس دن ختم ہو گئی وہ سلسلہ ہدایت جو مسلسل تھا آدم سے لے کے خاتم تک کیا وہ بھی اس دن ختم ہو گیا کیا اس دن کے بعد جنون آنا چاہیے کیا اس دن کے بعد ملت کو منتشر ہو جانا چاہیے کیا اس دن کے بعد ملت کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ اب تک یہ اس کا کام تھا اب یہ ہمارا کام ہے قرآن کہہ رہا تھا ربوں کا یخلو ما یشاء یختار ما کان لہ القیرہ تیرا رب جس کو چاہتا ہے خلق کرتا ہے جس کو چاہتا ہے مختار بناتا ہے تم کو اختیار نہیں دیا گیا ربوں کا یخلو ما یشاء یختار وما کان لہ القیرہ تم کو اختیار نہیں ہے خلق ہم کرتے ہیں مختار ہم بناتے ہیں اگر تم کو یہ حوث ہے کسی کو مختار بنانے کی تو خلق بھی کر دو اپنی مخلوق کو لاؤ کسی کو خلق کرو مختار بناؤ جب نہیں کر سکتے ہیں خلق ہم کر رہے ہیں تو مصلحتوں سے ہم واقف ہیں حکمتوں سے ہم واقف ہیں صلاحیتوں سے ہم واقف ہیں ظرفیتوں کو ہم جانتے ہیں ہم چنے ہم چنے ہم منتخب کریں ہم اختیار اب ان تمام حالات کے بعد اس تمام گفتگو کے بعد عدالت اپنی مرتبت میں اپنی ساری زندگی میں کسی کے لیے یہ کہا ہو کہ میرے بعد یہ امام ہے کسی کے لیے کہا تو پھر عمل پیغمبر خلاف مرضی خدا ہو نہیں سکتا اگر سلسلہ حکمت ہے تو وہی حکمت زبان پیغمبر سے جاری ہو رہی ہے
और यही वजह है कि तमाम उलमाए इस्लाम मुत्तफिक है इस अमर पर कि दोनों नवासों को बिठाकर अपने जानुओं पर हुआ इमाम ने कादा मेरे दो नवास ये दो इमाम है खड़े हो तो इमाम बैठे तो इमाम मैं थोड़ी ही तवज्जो चाहता हूं सिताया इमाम ने मेरे दो नवास दो इमाम अगर ये मस्जिद की हद तक गुफ्तगू हो रही है तो उसके माना ये कि मिजाज कुरान से गुफ्तगू अलग है मिजाज कुरान से अलग है क्या पैगंबर चलाने में जिस आयत सुनाते हुए उन आयत को याद नहीं फरमा रहे थे कि इन्नी जाहिलुन खलिल्लाह सही मामा निगाहों में यह आयत नहीं थी वो जाल्लाहु अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना क्या कभी मतलब उस आयत की तिलावत नहीं फरमाते होंगे वो नूरी दू अन्नमुन्ना अल्लज़ीन सुकैफू फिलहाल वो लकअलहुम अइम्मतन वो लकअलहुम अलवारिसीन कि हम उनको इमाम बनाएंगे क्या कभी मतबत की निगाहों में सूरह फुरकान की वो आयत नहीं है कि जहां साहिबान ईमान ये दुआ करेंगे रब जाओ हब लना मिन अज़वाजना वो ज़ुर्रियातना कुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा परवरदिगार हमको साहिबान तक्वा का इमाम बनाओ तो इन्हीं आयतों में तो लफ्ज इमाम के माना पिन्हा थे ना अब जो खाते मेरे दोनों नवासे इमाम है तो क्या समझ कर कहो किस मंजिल पर इन नवासों को देख कर कहा और इमाम के क्या माना लिए इमाम के माना मुर्शिद के लिए मुर्शिद जादगी के लिए पीरी मुरीदी के लिए नमाज पढ़ाने के लिए किसी मस्जिद की जिम्मेदारी सौंपी गई नमाजों पर और तमाम मुसलमानों नमाने का हुआ इमाम आने ये दो इमाम है और फिर इतना जबाजद खास आम है कि अगर अली के लिए भी ये लव इस्तेमाल हो तो ना हो मगर इमाम हसन इमाम हुसैन मैं सिर्फ उसके माना समझना चाहता हूं मिल्लत से क्या कहते और क्या समझ के ये लफ्ज़ ज़बान से निकल रहा है किस माना के साथ निकल रहा है इमाम हसन इमाम हसन और उस रसूल का ये जब हुआ इमाम आने ये दोनों इमाम है ये दोनों इमाम है खड़े हो तो इमाम बैठो बैठे तो इमाम जंग के मैदान में आए तो इमाम सुना की मंजिल पर आए तो इमाम खामोश हो जाए तो इमाम कलाम करे तो इमाम क़याम करे तो इमाम और गुलशन नशीन हो जाए तो इमाम कामा और कादा ये दो लफ्जों में पूरी तारीख है खड़े हो तो इमाम है बैठे तो इमाम हुमा इमामा ये दो इमाम तो जाहिर है इन आयतों की तिलावत के बाद जब इस लफ्ज को इस्तेमाल किया है तो उस हकीम अलग इतलाक की मर्जी के नुमाइंदे ने उसी कानून इलाही को पेश नजर रख के यह जुमला इस्तेमाल किया होगा और वही मसलहतों को सामने रखकर कि इस सिलसिले को आगे बढ़ना है इस लफ्ज को इस्तेमाल किया होगा अगर है दिल मुस्लिम और दिमाग मुस्लिम में खुदा वाहिद जगाना का तसव्वुर और अगर है वो हकीम अल इस्लाम और अगर है उसका सिलसिला हिदायत हक और अगर उसका सिलसिला हिदायत हक खत्म होता है खातम पर तो खातम इस तरह से तो छोड़ नहीं सकता था उम्मत को इसलिए इसलिए उसी अंदाज इंतखाब के साथ
कि जो तरीका इंतकाम अंबियाए मासलफ में था कि खास घराने को सरफराजी मिले, उसी घराने में से चुन लिया और अब ये दो नवासे आगे बढ़ रहे हैं, अब ये दो नवासे आगे बढ़ रहे हैं, मगर वही शक करने वाली फितरत जब कभी वाकों वाके के मुकाबिल में किसी एक अजीम हस्ती को दुनियावी एतबार से मुकाबिल कर पाएगी तो यकीनन शक होगा, शुभ होगा। कोई बादशाह सामने आए, कोई हुक्मरान सामने आए, कोई साहब इख्तदार सामने आए, तो जब रसूल के लिए कहा था कि वहां से वही नहीं आती और कुरान वहां क्यों नाजिल नहीं होता, तो इमाम हसन के मुकाबले में अगर कोई शाही आ जाए, साहिब तख्तदाद कोई शख्स आ जाए, तो ये शुभ कोई ऐसा नहीं है कि जिसको हम बड़ी का कियास समझे। ऐसा होता हुआ आया हुआ हुआ, लोगों ने शुभ किया होगा, वो शुभ है कि आपने ये जानते हुए कि एक शख्स मुस्तहिक नहीं है इमामत का, मेरे लोगों को गौर कीजिए, रुकू के भूलना पड़ता है इसीलिए कि जिम्मेदारी महसूस की जाती है कि किस उन्वान पर गुफ्तगू हो रही है। आपने ये महसूस करते हुए कि जो शख्स इस वक्त बजाही हुकूमत पर है वो अपनी मुलूकियत के साथ साथ उस खिलाफत रसूल को भी मिला लेना चाहता है कि जिसका वो अपने आप को हकदार समझता है, मगर आपके साथ रहने वालों को शुभा यह है कि अगर इमाम होते तो मंजूर क्यों करते। शुभा यह है कि अगर इमाम होते तो चुप क्यों होते, अगर इमाम होते तो सुलह क्यों कर लेते। तो ये आपके दिलो दिमाग में शुभ पैदा किया ना, या तो इनकार कर दे कि रसूल ने नहीं कहा कि ये इमाम है तो फिर हम बहस करें, और अगर रसूल ने कहा है कि ये इमाम है तो खुद ब खुद आपके शुभ को हट जाना चाहिए, और अगर नहीं इसरार है कि नहीं इमाम अगर होते मिल जाने बिल्ला तो कैसे तस्लीम कर लेते, तो यही धोखा तो सिफीन ने भी था, यही सूरत सिफीन ने थी, एक मतबा सिफीन की लड़ाई नहलवान की जंग से बदल गई, यही हुआ ना, सिफीन की लड़ाई एक मतबा नहलवान की जंग से बदल गई, और फकत इसी बात पर कि अगर इमाम होते तो हकम क्यों बनाते। ये अली की जिंदगी है, अली की जिंदगी है, इमाम होते तो हकम क्यों बनाते। आपने हकम बनाया अबू मूसा अशअरी को, क्या इमाम आपके ऊपर किसी को हकम बनाता है। यही शुभ था, और जब ये शुभ उनके दिलों में कमी हो गया जैसा कि वो समझते थे, अली के हम रिकाब लड़ने वाले अली के खिलाफ लड़ने लगे, नहलवान की लड़ाई शुरू हो गई, खारिजी पैदा हो गए, अली को बरमला बुरा कहा जाने लगा, और कहा गया कि नहीं आप
अल्लाह की तरफ से इमाम नहीं हो सकते। आप कैसे राजी हो गए हकम किसी के होने पर? यह शुबा वहाबी था, यही शुबा मदाइन में हुआ। फौजें आगे बढ़ी और जैसे जैसे फौज आगे बढ़ती अमीर शाह के मुकाबले में फौज के हाकिम को रिश्वत दी जाती और वो इधर से उधर हो जाता। जब कई मरतबा कई सरदार पर चले गए तो आखिरी खुतबा दिया, उनमें सिर्फ ये चार जुमले थे कि मैं तुम्हारी सलाह फलाह को देख रहा हूं, मैं तुम्हारी अच्छाइयों पर नजर डालता हूं, मुझे तुम्हारी हिफाजत मंजूर है, क्या जो कुछ मैं कहूं उस पर तुम अमल करोगे? आपस में चलगुजिया शुरू हो गई, आपस में नजवा शुरू हुआ, कानापूसी शुरू हुई कि देखिए जैसे बाप ने किया वैसा बेटा कर रहा है। यही जुमले और आकल में यही काम भी कामे हो गए और ये भी कुफर की तरफ जा रहे हैं। खुद इमाम होते तो यह जो पेशबीनी हो रही है, ये जो पेशबंदी हो रही है कि मैं जो कहूं उसको मान लो, यानी मतलब ये कि इस वक्त जंग के मैदान को हम छोड़ दें। आपने देख दिया, खुदे को हम भी किया और इधर मैं समझ रहा हूं तुम क्या सोच रहे हो, मगर ये उस वक्त की बातें हैं जब मैं फौजों को लेकर आगे बढ़ चुका हूं। कूफे से फौजें निकल चुकी हैं, मदाइन के मैदान में फौजें सामने मुकाबले के लिए खड़ी हुई हैं और ऐसे मौके पर फौजों ने वफा नहीं की। मेरा फरीज़ा ये है कि मैं तुमको रहे हक बतलाऊं, रहे हक बतलाऊं। गुफ्तगू इस मंदिर पर रुक गई और रुकना भी चाहिए। सोचना यह है, क्या इमामत के माना यह है कि किसी लड़ाई में कामयाबी हो? और करते जाए, क्या इमाम का फरीजा यह है कि जंग के मैदान में जाए तो कामयाब हो कामराज आए? इमामत से यह वादा लिया गया था कि अगर तलवार खींचे तो बस फाफा तुम्हारी हो। क्या इमाम के लिए यह मुकद्दर था कि जहां जाए वहां से कामयाब लौटे? इमामत क्या चीज है? इमामत का मतलब क्या है? इमामत का मकसद क्या है? इमाम वो हयात का मुंजमित करने वाला है जिसके वजूद से कायनात रहे। इमाम बाइस वहां भी है कायनात, उसका वजूद जो हो वो कायनात हो। इमाम हादी है, इमाम शरीयत का मुहाफिज है, इमाम अंबिया का वारिस है। इमाम मख्तदात की फिक्र नहीं करता, मुलुकियत के पीछे नहीं दौड़ता, और अगर कोई हुकूमत बन रही हो इमाम के मुकाबले में कुव्वतों की बुनियाद पर, और इमाम अगर ये तय करे कि मुझे अब मुकाबले पर नहीं जाना है तो क्या उसकी इमामत मान के खतरे में आएगी? क्या उसकी इमामत मान के खतरे में आएगी? तो उससे माना यह है कि जिसने हसन इब्ने अली पर एतराज किया, उसने मोहम्मद अली पर एतराज किया, उसने अली इब्ने अबी तालिब पर एतराज किया, मोहम्मद अरबी ने तो यहां तक किया कि सुलह हुदैबिया में यह कहा कि मेरे नाम के बाद रसूलुल्लाह हटा दो। यह जो नहीं कहा गया कि इमाम का लफ्ज हटाया जाए। समझने की कोशिश कीजिए, सुलह हुदैबिया में जो सुलह लिखा जा रहा था उसमें यह था मोहम्मद अल्लाह के रसूल की तरफ से। कुफार ने कहा अगर अल्लाह का रसूल मानते तो झगड़ा क्या था? आपने कहा मिटा दो, हमेशा हुक्म की तामील करने वाले ने।
हर मौके पर हुक्म की तालीम में आगे बढ़ने वाले ने यहां खामोशी अख्तियार की और कागज को आगे बढ़ा दिया। कहा कि ये हुजूर ही का हुक्म है, अब हुजूर ही के दस्ते दस्ते मिटा दिया जाए। जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता था उसको मालूम था कि रसूलुल्लाह कहां लिखा हुआ है वही मिटा दिया। वो सुने हुदैबिया को जो न समझे और जो फतह मक्का का राज न जाने, जो अली की 24 वर्ष की खामोशी को न समझे, बादर रिसालत 11 हिजरी के बाद से 24 वर्ष की खामोशी, जो 24 वर्ष की खामोशी को नहीं समझता वो जंगे जमाल उद्दीन को क्या समझेगा। जो सुलह हुदैबिया को नहीं समझ सकता वो फतह मक्का को क्या जानेगा। जो सुलह हसन को नहीं समझ सकता वो करबला को क्या समझेगा। हसन इब्ने अली ने वो राह अख्तियार की जिस राह के मुताबिक मैं दो चार जुमले मेरे लिए जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा था कि इन अजीजों की वजह से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुतफ हुई है, ऐसी सूरत में जबकि मैं मुसलसल तकरीरें कर रहा हूं मगर आपको तकना नहीं छोड़ सकता और न मैं तकना रहना चाहता हूं। एक बार अगर यह पूरा निजाम हकीमाना है तो क्या शादियों के हवाले कर दे हिदायत को। अगर शाहियों के हवाले कर दे हिदायत को तो हमान भी हक पर है, शद्दाद भी हक पर है, नमरूद भी हक पर है, फिरौन भी हक पर है और इसी तरह हसन के मुकाबले आने वाले भी हक पर है। और अगर नहीं किया जा सकता हिदायत के निजाम को मुलूकियत के हवाले, तो मुलूकियत के होते हुए हादी अपनी मंजिल पर बाकी रहता है, फिरौन अपनी मंजिल पर है, मूसा की नबूवत उलाजम बाकी है, नमरूद अपने मकाम पर है, इब्राहिम की हुल्लत बाकी है और इसी तरह से शाम अपनी जगह पर है और हसन इब्ने अली की इमामत बाकी है। इमामत कैसे मुतासिर होती है दुनियावी जंग से, दुनियावी सुलह से। मैं समझता हूं कि इस मसले पर मैं कुछ आदत के खिलाफ अपनी एक थोड़ी सी तकरीर को दोहराऊंगा। हालत हॉल इसी साल और वो ये कि जिस दिन मैं भी इकबाल की याद मना रहा था हालत लाहौल में, उस दिन ये कजिया फुले हसन का पेश था और मैंने इकबाल के हवाले से वो नज़्म पढ़ी कि जहां वो जनाबे सैयदा की तारीफ करते हैं और उसमें उन्होंने कहा था मरियम मस्जिद नस्बत ईसा आदि अफसे नस्बत हजरत जहरा आदि नूर चश्म रहमत लिलआलमीन इफ्तिखार अव्वलीन व आखरीन मादर उन मरकज पर कारे इश्क मादर उन कारोबार सालारे मरकज पर कारे इश्क की माँ कारोबार सालारे इश्क की माँ दो बेटे हसन और हुसैन। उसके बाद अखबार ने हसन इब्ने अली की यह तारीफ की उन्हें की समय सबिस्तान हरम हाफिज़े जमईयत खैरुल उमम वो है हरम के सबिस्तान का जवाब खैरुल उमम की उम्मत का मुहाफिज यह अखबार के साथ हरम हाफिज़े जमईयत खैरुल उमम दानशीनत आतशे पैकारों की
फकत इसलिए, फकत इसलिए कि सीने की आग जले, फकत इसलिए कि सीने की आग न भर गए, फकत इसलिए कि मिल्लत में तफरीक ना हो। नाजम पढ़ के सिर्फ एक जुमला कहा था, मैं उसी जुमले को दोहराने की इजाजत चाहता हूँ कि हसन ने सुलह की और इकबाल ने उस सुलह के माना ले लिए। सुने हसन के माना इकबाल के पास है कि हसन इब्ने अली ने ठोकर मार दी तख्त-ओ-ताज को। तो ये है कुछ पढ़े लिखो की बातें जिसको आम नहीं समझ सकते। सुनो, इस शान की सुनो है कि ठोकर मार दी तो दुनिया ने उस ठोकर को भी इज्जत जान कर कहा सुनो है। दुनिया ने उस ठोकर को भी इज्जत जान कर कहा सुनो है। हसन इब्ने अली ने ठोकर लगाई दौरा को, जमाने को, मुलुकियत को। पैकारों की पुष्ट ताजत पर सारे ताजो लगी, दांत पे ठोकर मार दी, दांत पे ठोकर मार दी हसन इब्ने अली ने। यानी जंग को रोक के ठुकरा दिया तख्त-ओ-ताज को, और हुसैन ने खत्म होकर ठुकरा दिया तख्त-ओ-ताज को। दोनों का मकसद एक है। इख्तलाफ कैसा, इख्तलाफ कैसा, यहां भी ठोकर वहां भी ठोकर, यहां सवाल बयात पे ठोकर है, यहां सवाल बयात पे ठोकर है। तो मैं समझता हूं कि इन बुनियादों पर हमेशा फिक्र को मुस्तकिल होना चाहिए। ज्यादा उन निजाम आलम आपस नहीं है, और अगर कारखाना हिकमत के साथ आगे बढ़ रहा है तो सिलसिले हिदायत को बाकी रहना चाहिए, और मुलुकियत से किसी तबके को, किसी अकलमंद इंसान को कभी बरूद न होना चाहिए। मुलुकियत अपने मकाम पर रही है, रहेगी। हिदायतें, नबूवतें, रिसालतें, इमामतें अपने मकाम पर है, रहेंगी, और इसी सिलसिले को जाना है रजात तक। अल्लाह की बारगाह में जाना है तो इसी नजरिए के साथ, इसी अकीदे के साथ, इसी ईमान के साथ जाना है। मैंने थोड़ा सा वक्त लिया, और ये नहीं कहता कि मैं अपनी कोशिश में समझाने की कामयाब हो चुका हूं, नहीं, बल्कि मैं आपके दिलो दिमाग के हवाले कर रहा हूं इस फिक्र को कि इस अंदाज से सोचिए, इस अंदाज से सोचिए। यह समझा जाता है कि दो भाइयों की फितरत मुख्तलिफ थी, इस अंदाज से सोचा जाता है। मैं कहता हूं एक ही इंसान की फितरत में अख्तिलाफ पाइएगा, सुने हुदैबिया और फतह मक्का में। मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। आप दो भाइयों के अख्तिलाफ को देख रहे हैं, सोचिए दो कुल मुद्दत अनुभव 23 साल, 12 बरस मक्के में खामोश। उस खामोशी पे कोई एतराज नहीं है किसी का, उस खामोशी पे कोई एतराज नहीं है कि रात के अंधेरे में चुपके से घर छोड़ दे। ऐसी फितरत है ना, और फिर बदर की जंग कामयाबी के साथ खत्म हुई है, उहद में भी काफी असर पड़ चुका है, और फिर दूसरी अहम लड़ाइयां हो चुकी हैं, ऐसे ने सुने उदय दिया, फिर फितरत में तब्दीली, और फिर अमीर मोमिनीन आपके सामने है, एक ही शख्स कभी चुप
कभी मुतकल्लिम, कभी तेग बका, कभी खामोश। जब दुनिया उस जाते के अमीर से यह पूछ सकती है कि आपका हक था तो अल्लाह आपने क्यों न खरीदी, तो आपकी जिंदगी ने उसका जवाब दे दिया, आपकी जिंदगी ने उसका जवाब दे दिया कि अगर वही उन्हीं उतनी ताकतें जो कर्बला में इस्तेमाल हुई थी बाद में पैगंबर इस्तेमाल की जाती और इस्तेमाल हो जाती तो हुकूमत हैदरी यकीन गलबा पाती, मगर मकसद इलाही मुकम्मल न होता। मकसद इलाही की तकमील न होती, ये जिस जगह से इस नारे की आवाज आई यह नारा फिर कोई लगता। अगर उस दिन आने अली की खामोशी ने, अली के सब्र ने, अली के सुकून ने, अली के हिल्म ने और अली की फिरासत ने, अली की मुजाहिदत ने आज ये कुव्वत अता की। ऐसा मालूम होता है कि हर दौर में, हर नस्ल में और हर जमाने में अब उन्हीं का गलबा है। अब उन्हीं का गलबा है। मेरी बातों को अगर समझ रहे तो यकीनन मेरी तकरीर का मुझे समर मिल रहा है। एक बात और वादा करूं और वो ये कि ये सारे इतराजात के दिन शुरू होगी तो जंग होगी, फिर हुदैबिया क्या है, फतह मक्का क्या है, फतह खैबर क्या है और 11 हिजरी के बाद की खामोशी क्या है, ये सब बातें उसी वक्त हो सकती है जबकि निजाम इलाही पर शुभ हो। खास से क्या सवाल है वहां क्यों नहीं कोई पूछता क्या तू क्यों चुप है। तेरे नबी को सोली दी जाए तो चुप है, तेरे नबी का सर तश्त दिलाने इस तरह दानिया की खाई पर मुख्य नस्ल के दरबार में दे दिया जाए तो चुप है। उम्मत पर उम्मत कुफरों तगयान मचाने की कोशिश करे तो चुप है। और अगर कभी नबी यहूलुल्लाहू कहे भी कि कब तक करम, ये तो माफियत के उम्मत है, ये कब तक तेरा करम, वो रुबूबियत का दावा करे और आप रिस्क देते जाए तो आवाज आई मूसा अगर वो अपनी बंदगी छोड़ दे तो क्या उदाई छोड़ दो। तो आपने देखा तो वहां एतराज कीजिए ना, ये उसी का तो बंदा है जो कह रहा है कि अगर वो इस्लाम छोड़ रहा है तो क्या इमामत छोड़ दो। आपने देखा तो इस्लाम छोड़ दे तो ये इमामत छोड़ दे, हिदायत छोड़ दे, रसूल की जानशीनी छोड़ दे। मैं समझता हूं उसके हिकमत इलाही पर नजर नहीं है और उसी की तमहीद थी, उसी की तमहीद थी। अंबिया परसों दुआ करते रहे रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफ़िरीन दय्यारा, नूह की दुआ, परवरदिगार जमीन पर किसी काफिर को जलता हुआ न छो। अच्छा नूह देखे, अच्छा नूह कुछ और है, अच्छा नूह फिर इंतजार करो। वहां तो ये आदत
अरे जहाँ ये आदतें पैदा हो जाए वहां तो सुबह किसी और हस्ति का होना चाहिए था ना। आपने कहा इमाम कैसे हैं, कोई और साहेब दिल होता तो कुछ और सुबह होता, कुछ और सुबह होता। और खातम बदहन मैं उस सुबह का तस्करा भी नहीं कर सकता हूं, मगर हिकमत इलाही है, हिकमत इलाही है, हिकमत इलाही है कि इब्राहिम मेरा खलील और उसका बेटा सभी दोनों मिलकर घर बनाए और हम ये कहे ऐसी नवला के सिंह तुम दोनों मिलकर तवाफ करने वालों और एहतिकाफ करने वालों के लिए मेरे घर को पास करो, मेरा घर मेरे बंदों के हाथों बना हुआ, उस घर में 5,000 बरस पुत रहे पुत। मनात उबल उज्जा जितने आसमान के सितारे हैं सब के नामों के बुत उसी घर में, और वही हो रही है परस्तिश। चुप क्यों है, चुप क्यों है? अरे तेरे घर में बुत, अब इससे बढ़कर तो कोई जवाब मैं दे नहीं सकता हूं। अल्लाह के घर में बुत चुप है, चुप है। और एक वक्त आया कि जहां मेरे परवरदिगार एक तुझे तो कुछ हुक्म देने की जरूरत भी न थी, तू सिर्फ चुप हो जाता तो बुत परस्ती खत्म हो जाती। और वो इस तरह से हुआ कि एक मरतबा एक जंगी हाकिम हाथियों का लश्कर लेके काबे की तरफ चला, काबे को तबाह कर दे, काबे को तबाह कर देंगे तो तू चुप हो जाता, किसी और की कोशिश होती बुत निकल जाते, किसी और का हमला कामयाब होता काबे की दीवारें टूटती खुद खुद बुत खड़ जाते। मगर यह भी पसंद नहीं था कि बुत रहे, मगर चूंकि निजबत मेरे नाम से है, देखिए यह है मकान इमारत, यह है बदुआ नहीं करती है सैदानिया, बदुआ नहीं करते आबिद बीमार। घर मेरा है रहे बुत, मेरे नाम से इस घर की इज्जत है, अब रहा हमला नहीं कर सकेगा। कह दो अब रहा से कि हमला नाकाम हो चुका, मौजिजे से खर्क आदत से हाथियों के लश्कर को शिकस्त हुई, बचा लिया आपने घर को। तो जब अपना घर होता है उसको यूं ही बचा लेते हैं, घर में बुतों की फिक्र नहीं करते। ये बुतों की फिक्र नहीं करते कि मेरे घर में बुत है, विश्वास दे कि ये बुत हट जाएंगे, आएगा बुत शिकल ये हट जाएंगे, मगर मैं इन नाचीज बुतों के लिए, मेरे लफ्जों पर गौर कीजिए, इन नाचीज बुतों के लिए, इन तरसे हुए बुतों के लिए, इन खुद साख्ता खुदाओं के लिए अपने अजमत और जलाल को कुर्बान कर दो, नामुमकिन, नामुमकिन है। रहे बुत
जमाना खुद गवाही देगा, जमाना खुद गवाही देगा। सुलह हसन इसी हिकमत का नतीजा थी। रहने दो, रहने दो, ये अगर कैदी है दिन खत्म होने वाली है, ये मुल्क के तन में दिन खत्म होने वाला है, ये नाम है दिन किसी मकाम पे जाके रुकने वाला है, ये तारीख किसी मकाम पर मुतहिम होने वाली है। रहने दो, कहां तक जाते हैं, हमको तो जमाने के आखिर तक जाना है। منتظرون الا ما قوم من المنتظرين। इस जुमले पर कल रात गुफ्तगू होगी मरकजी इमाम बारगाह में। इंतजार करो, हम भी तुम्हारे साथ है इंतजार करने वालों में। सुलह हसन ने सही माना हिकमत इलाही को पेश, और बकौल अकबाल ठोकर मार दी तख्तो ताज। इमामत को तख्तो ताज की जरूरत नहीं है, इमामत को तख्तो ताज की जरूरत नहीं है। वापिस आए, सुन हुई मगर जख्मी आए। मालूम है जिसमें अब तक तीन गहरे जख्म लेकर आए, पाए अब तक जख्मी था, सीने पर जख्म, पेशानी पर जख्म, बदायूं में इलाज किया, मोसुल में इलाज किया, मदीना है। और बार बार यह नहीं कहा कि मैं जिस नतीजे पर पहुंच चुका हूं उसी नतीजे पर मेरा पूरा घर भी पहुंचेगा, कभी नहीं कहा। आप कहते हैं कि दो भाइयों की तबीयत में इख्तलाफ था, आपने गौर नहीं किया। हसन मुश्तबा 40 हिजरी में सुलह करते हैं और 49 हिजरी के आखिर में, यह 50 हिजरी आपकी शहादत है। उसके बाद उसी सुलह पर कामिल 10 बरस हुसैन इब्न यज़ीद अमल है। आप समझते, भाई की उस सुलह पर दूसरे भाई का अमल 10 बरस है। आप कहते हैं तबियत में खिलाफ, समझने की कोशिश, 10 बरस अमल। लेकिन जब जाहिर बजाहिर ऐलान कर दिया गया कि हलाल मोहम्मद हराम है और हराम मोहम्मद हलाल है, तो उस दिन हुसैन इब्ने अली ने यह तय कर दिया कि अब वो सूरत बाकी नहीं थी कि जिसे भाई ने सुलह की। भाई की सुलहवती का इस्लाम का लिबादा होगा। कोई फिर भी यह कहा जा रहा था, कह रहा था कि हम मुसलमान हैं। अब यह सूरत कुछ और है, अब सूरत तो अलग ऐलान कह रहा है, न वही आई न फरिश्ता आया, न वही आई न फरिश्ता आया, बनी हाजिम दीन का ढोंग बताए हुए था। अब करबला, अब करबला, मगर सुलह हसन से करबला तक कुछ मनाजिल है, कुछ मनाजिल है और बहुत अहम मनाजिल। जाने कम नजरों को हसन इब्न अली की जात गिरानी पर शुभ करने के लिए कुछ और तो मिल ना सका, ये तो न कह सके कि शरीयत में तब्दीली की थी, ये तो न कह सके कि तावील में गलती की थी, ये तो नहीं कहा कि हसन का कुरान अलग था,
ये नहीं कहा कि हसन नमाज को दौड़ पर आगे बढ़ते थे, ये नहीं कहा कि हसन इब्ने अली अहकाम कब्ज़ मतलब पर अमल नहीं करते थे, नहीं, ये कहा कि 300 बीवियां मेरे पास जवाब के लिए वक्त नहीं है, 300 बीवियां मोहम्मद का बड़ा नवासा और मदीने की जिंदगी, मदीने में कुल खानदान कितने थे, ये बहुत ही टेक्निकल जुमला है, कबीले कितने थे, एक एक कबीले में कितनी बेटियां थी, अरब का मौलिक रालियों के सिलसिले को जब लिखता है तो एक एक रिवायत के चारा चारा राली और चारा चारा रालियों के नसब नामों को लिखता है ताकि यह साबित हो जाए कि यह सिका है या समझो, ऐसा मौलिक उन बीवियों के नाम नहीं लिख सका, उनके कबीले नहीं बता सका, यह नहीं बता सका कि किस कबीले ने अपनी कौन सी बेटी को दिया था, गिनती शुरू हुई तो मुसलसल कशमकश के बाद 7 नाम आए, कुल 7 नाम आए बीवियों के, और औलाद पर जब नजर पड़ी तो कुल 7 बेटे 4 बेटियां, 7 बेटों में 5 बेटे कर्बला की नजर हो गए, 2 बेटों से औलाद पड़ी, वो दोनों बेटे वो है कि जो एक जख्मी हुआ कर्बला में एक असीर हुआ, इल्जाम था मगर मैं यहां नहीं रुकूंगा, मुझे तो जाना है हारून रशीद तक, अंधेरी रात की तारीकी में 7 सैयद कत्ल किए गए और कत्ल करने वाला मुसलसल कत्ल करते जाता था, उनके सर और उनके जिस्म कुएं में डालते जाता था, जब आखिरी बूढ़ा बच गया तो उसने सिर्फ इतना कहा कि कत्ल तो मुझे भी होना है, सिर्फ इतना जान ले कि हम सब इमाम हसन की औलाद थे, हारून रशीद के दौर में जाके वो औलाद जैद इब्ने हसन की और वो औलाद हसन मुसन्ना की ये तय करके चली थी कि हम इमामत की हिफाजत करेंगे, हर दौर में खुरूज, हर दौर में हुकूमत को इसका ऐलान कि इमाम महफूज रहे, हम अपने आप को हदफ बनाने के लिए तैयार हैं, शहजादे हसन ही ने जो खिदमात अंजाम दे उसके लिए दफ्तर के दफ्तर जाए, ये तबा तबाही घराने ये मुस्तहदीन के घराने सब औलाद इमाम हसन के, उसके नकी में तबा तबाही हूं ये गुरु जोड़ी है तबा तबाही, ये इमाम हसन की औलाद, आले ताऊस इमाम हसन की औलाद, आले ताऊस के तमाम उलमा इमाम हसन की औलाद, वो घराना जहां इल्म है जहां इश्तिहाद है जहां तकवा है जहां जोहद है, वहां सिर्फ इतनी बात तो नजर गई कि निकाह बहुत थे, इनको फिर भी कह दे तो रिसर्च करके नाम बतला दे, बीवियों के नाम बतला दे, एक एक के नाम लिखने वाले यहां फरार न अख्तियार करें, और अगर लाओ फरज ना, लाओ फरज ना किसी मकाम से ये कहीं साबित भी हो गया तो ये उसके लिए साबित हुआ जो रसूल के साथ चादर तफरीर में सोने वाला था, आए कुर्बा में था, आए मुबाहिला में था, और जिसकी जियारत हम पहुंचे हैं असमकुम अल्लाह मिन अल-फतन व आमनकुम मिन अल-फतन, अल्लाह ने आए आले मोहम्मद तुमको हर बुराई से दूर रखा, तुमको हर फितने से पाक रखा, وَأَذْهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَكُمْ تَطْهِيرًا
अल्लाह ने तुमसे हर बुराई को दूर रखा और तुमको पाक किया जो हक पाक कर नजर यही गई। अरे बेहतरीन मौका था ना, बेहतरीन मौका था शाही के लिए कि जहर दिया, हाँ जहर दिया, इसलिए दिया कि हसन का कुरान अलग था।